प्रधानमंत्री जी ने दो महिलाओं के साथ जिस तरह का व्यवहार और अत्याचार हुआ उसकी घोर निंदा भी की है और कड़े शब्दों में कहा है कि कोई भी हो, कितने भी हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटनाएं देश को शर्मसार करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, महिलाओं के साथ अपराध कहीं पर हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्षी दल इसको राजनीति के रूप में देखते हैं, राजनीति करना चाहते हैं। हमने सदनों में कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भागना चाह रहा है। क्या मजबूरी है विपक्ष की वो चर्चा से भागना चाहता है? क्योंकि विपक्ष के राज्यों में कुछ ऐसे कारनामे हैं। अगर मैं आज केवल एक राज्य को बताना चाहूंगा, राजस्थान। राजस्थान में महिलाओं पर अपराध की सबसे ज्यादा घटनाएं हुई। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 54 महीने में 10 लाख से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए, 7500 से ज्यादा अधिक निर्दोषों की हत्याएं की गई, 1,90,000 महिलाओं के साथ अत्याचार के मुकदमे दर्ज किए गए। और अगर मैं दुष्कर्म की, बलात्कार की बात करूं तो लगभग 22% दुष्कर्म की घटनाएं पूरे देश भर की राजस्थान में, जो लगभग 33,000 ऐसी घटनाएं राजस्थान में हुई है। ये आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। और दलितों पर भी, दलित महिलाओं पर भी अत्याचार बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और देश में नंबर वन महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म की घटनाओं के लिए राजस्थान का ऐसा नाम आता है। मेरा सवाल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से भी है कि क्या आपने कभी ये जो पति के सामने गैंगरेप वीडियो वायरल किया गया और चुनाव के कारण पुलिस ने नहीं दिखाया, राजस्थान की घटना है, अलवर जिले के थाना गाजी की है और ये देखिए महिला के जो वीडियो दिखाए गए हैं ये सब पब्लिक में है। क्या कांग्रेस को महिला केवल एक राज्य की दिखती है? ये वीडियो आपके सामने है। और केवल यहीं तक घटनाएं नहीं रुकती हैं, इसके अलावा अगर देखा जाए तो वहीं पर ही मुख्यमंत्री के घर से मात्र 5 किलोमीटर दूर राजस्थान में जयपुर में वैशाली नगर में 10 साल के बेटे के सामने पेट्रोल डालकर एक महिला के साथ पहले दुष्कर्म किया जाता है, पेट्रोल डालकर उसको जलाया जाता है, गोली मारी जाती है। और ये घटनाएं क्या देश के मीडिया के सामने कभी नहीं आएंगी? क्या राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बलात्कार हो रहा है, क्या उसको लेकर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और विपक्ष क्या मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा? मेरा सवाल विपक्ष के सभी नेताओं से है, क्या केवल एक राज्य की महिलाओं के लिए और अन्य राज्य की महिलाओं के बारे में वो चिंता करनी छोड़ देंगे? क्या कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और दलित महिलाओं के खिलाफ होते अत्याचार जो बढ़ रहा है, क्या उस पर पूरा विपक्ष मूक दर्शक बनकर बैठा रहेगा? महिला महिला में आप भेदभाव क्यों करते हो? और अगर राजस्थान की ही विधायक दिव्या मदरेणा जी की मैं बात करूं तो उनके बयान में ही उनका दुख, दर्द और लाचारी नजर आती है कि वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। तो सवाल कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों से है कि आप महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं में भेदभाव कैसे कर सकते हैं? क्या आप महिलाओं को केवल एक राजनीति का टूल समझकर यही करना चाहते हो? तो क्यों नहीं चर्चा करते? हमने कहा है मणिपुर पर चर्चा कीजिए, विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के गृह मंत्री जी 4 दिन स्वयं मणिपुर में रहकर वहां की स्थिति का जायजा लिया, उचित कदम उठाए गए। लेकिन कुछ लोग भड़काने का काम करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। हमारा केवल इतना निवेदन है, चर्चा हो, खुली चर्चा हो। और सोनिया जी, राहुल जी, आपको तो जवाब देना पड़ेगा राजस्थान पर भी।